हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मौर्य और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस के बारे में। क्या होता है कोडोमिनेंस, कहाँ पे पाया जाता है, किस तरह के कैरेक्टर को ये शो करते हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। देखिए, कोडोमिनेंस का मतलब होता क्या है। को का मतलब होता है साथ, मतलब कि अगर दो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एज अ डोमिनेंट की तरह और वो दोनों कैरेक्टर को शो करते हैं किसी हाइब्रिड कंडीशन में या F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में, इसी को नाम दिया जाता है क्या, कोडोमिनेंस। तो कैसे ये कोडोमिनेंस को शो करते हैं, अगर हम इसको समझें तो इसमें कोई दो एलील वो क्या करेंगे, किसी हाइब्रिड कंडीशन में दोनों एलील अपने आप को एक साथ शो करेंगे, दोनों एज अ कोडोमिनेंस की तरह वर्क करेंगे और दोनों कैरेक्टर हमको शो होगा, इसी को नाम दिया जाता है क्या, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। हमारे ह्यूमन के अंदर अगर आप देखोगे जो ABO ब्लड ग्रुप होता है उसमें आप कोडोमिनेंस को देख सकते हो। जैसे आप एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप बी है, दोनों को मैरिड कराया जाए तो उनके होने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके प्लस ए और बी दोनों कॉम्बाइन टाइप का जो है ब्लड ग्रुप को रखेंगे, जिसको हम AB ब्लड ग्रुप कहेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं क्या होता है कोडोमिनेंस। देखिए, कोडोमिनेंस को अगर हम डिफाइन करें, व्हेन बोथ एलील्स express themselves in F1 or F2 generation, या हम यहाँ पे एक हाइब्रिड टर्म दे सकते हैं, this is called कोडोमिनेंस। अच्छा, वो जो एलील्स होते हैं जो कोडोमिनेंस कर रहे हैं, जो एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, उनको हम कोडोमिनेंट एलील्स कहते हैं। द एलील्स आर कॉल्ड कोडोमिनेंट एलील्स। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप होता है इसको आप आसानी से समझ सकते हो। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रोइन कोट कलर इन कैटल्स, ठीक है ना। ये दो एग्जाम्पल आप देख सकते हो जिसमें आप कोडोमिनेंस को देखोगे। कोडोमिनेंस में होता क्या है, अगर हम सिंपली समझे, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझोगे, जैसे मान लीजिए हमने एक कोट कलर ले लिया जो रेड कलर का है, कैटल्स का रेड कोट कलर हमने कैटल किया, मतलब एक हमने बछड़े को लिया जिसका जो कलर वो क्या है, रेड कलर का, मान लीजिए वो क्या है, मेल। यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट किया, उसके एलील्स को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल W से। दूसरा जो है वो हमने लिया क्या, वाइट कोट कलर वाला, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल W से। ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ये है पेरेंट्स, इनको आप दिखा रहे हो किससे, पेरेंट से। यहां पे अगर आप देखोगे जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे तो यहां से एक कैपिटल W आया, यहां से एक स्मॉल W आया, दोनों जो है F1 जनरेशन में कैपिटल W स्मॉल W को शो करेंगे। एक्चुअल में ये जो रेड कलर है जो कैपिटल W एलील्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो व्हाइट कोट कलर है जो स्मॉल W से रिप्रेजेंट हो रहा है, F1 जनरेशन में कैपिटल W और स्मॉल W देखने को मिल रहा है।
इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मेंडेलियन इनहेरिटेंस को देखा जाए तो मेंडल के हिसाब से F1 जनरेशन में आपको डोमिनेंट कलर मिलता है, लेकिन कुछ कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है कि F1 जनरेशन में ये एलील और ये एलील दोनों एक साथ F1 जनरेशन में शो होते हैं या इस अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। तो यहाँ पे जो कोड कलर मिलता है वो क्या होता है, रोइन कोड कलर मिलता है। रोइन कोड कलर का मतलब वो जो कैटल्स होगा वो एक चितकबरे रंग का होगा, मतलब उसमें रेड और वाइट दोनों के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। तो इसी को नाम दिया जाता है क्या, कोडोमिनेंस। तो इसमें जो कैपिटल डब्ल्यू एलील है और जो स्मॉल डब्ल्यू एलील है वो दोनों अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस कर रहा है F1 जनरेशन में, इसीलिए वो जो कोट कलर मिल रहा है, उसके स्किन का जो कलर मिल रहा है वो रोइन कोट कलर मिल रहा है, मतलब चितकबरे रंग का। अच्छा, अगर हम आप देखें यहाँ पे कोडोमिनेंस के रेशियो को, तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो वहाँ पे भी हमने देखा था फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों जो मिला था 1:2:1 मिला था। इस कंडीशन में भी जो फिनोटाइप और जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो भी क्या मिलता है, सेम मिलता है, जो कितना होता है 1:2:1। यहाँ पे भी जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का जो रेशियो है, कौन सा रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, वो यहाँ पे चेंज हो गया। फिनोटाइप रेशियो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का 3:1 मिलता है, जबकि यहाँ पे क्या मिला, 1:2:1 मिला। अच्छा, कैसे ये मिला 1:2:1, यहाँ पे अगर हम देखें, अब इसी रेनकोट कलर का ये मेल और इसका हम किसी फीमेल के साथ सेल्फ क्रॉस करा दें, वो भी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से। ऐसे कंडीशन में ये दो गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ से भी दो गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब ये दोनों गैमेट्स F2 जनरेशन में कैसे किसी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे हम एक बोर्ड बनाएंगे, चार डिब्बा बनाया जाएगा, इसमें ऊपर के साइड में मेल और नीचे फीमेल, हमने लिखा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, जिस डिब्बे के सामने जो एलील्स लिखा उसको उस डिब्बे में लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे इसका और ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इस डिब्बे में ये और ये स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये जो आपको शो होगा ये रेड कलर का शो होगा, ये कौन से कलर का, रोइन कोड कलर का, ये भी कौन से कलर का, रोइन कोड कलर का, और यहाँ पे जो मिलेगा वो कैसा, वाइट। तो आप रेशियो देख सकते हो 1, ये आपको 2 रेशियो मिला और ये आपको 1। तो ऐसे कंडीशन में जो रेशियो मिलता है फिनोटाइप वो कितना मिलता है, 1:2:1। ये दोनों रेशियो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, देखने को सेम मिलता है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा समझना है कि कोडोमिनेंस होता क्या है। जब दो एलील्स F1 जनरेशन में अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं, इसी को नाम दिया जाता है क्या, कोडोमिनेंस। और वो जो एलील्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्या, कोडोमिनेंट एलील्स। अब अगर हम समझें एक अदर एग्जांपल जिसको हम कहते हैं क्या, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग भी क्या करता है, कोडोमिनेंस को शो करता है। जैसे कोई एक मेल पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक फीमेल पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इन दोनों में आप देखोगे एक जीन आई होता है, वो 3 एलील को रखते हैं, आई ए, आई बी या स्मॉल आई या आई ओ। अब तीनों में से कोई 2 एलील प्रेजेंट होगा और जो एलील प्रेजेंट होगा, जो डोमिनेंट होगा, वो अपने आप को शो करेगा। तो यहाँ पे अगर किसी मेल जिसका ब्लड ग्रुप ए है और कोई फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप बी है, दोनों की मैरिज हो, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें से कुछ चाइल्ड ऐसे भी होंगे जिनमें ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब ये जो ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले हैं वो ए और बी दोनों के क्या करेंगे, एलील्स को रखेंगे और वो दोनों एज अ डोमिनेंट की तरह काम करेंगे और दोनों एक साथ अपने आप को शो करेंगे। इसी को कहा जाता है क्या, कोडोमिनेंस।
अब एबीओ ब्लड ग्रुप में कैसे एलील्स होते हैं, कैसे जीन होता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए समझते हैं। तो जैसे अब जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे देखिएगा एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पे हम एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर, एबीओ ब्लड ग्रुप में आपको एक जीन दिखेगा जिसको कहा जाता है क्या, आई। इस आई जीन के पास तीन एलील्स होते हैं। एक होता है क्या आई ए, एक होता है क्या आई बी, और एक होता है क्या स्मॉल आई या आई जीरो। एबीओ ब्लड ग्रुप के पास जीन आई होता है, उस जीन आई के पास तीन एलील्स होते हैं। तीन एलील्स में से एक होता है आई ए, दूसरा होता है आई बी, और तीसरा होता है स्मॉल आई या आई जीरो। अब देखिए अगर हम इन एलील्स की बात करेंगे, तो अगर आई ए एलील्स आई बी एलील्स के साथ, सॉरी, अगर आई ए एलील्स और आई एलील्स दोनों एक साथ होंगे, तो जो आई ए एलील्स होता है वो डोमिनेंट को शो करता है। मतलब कि अगर एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप आई ए है और एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है या आई है, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों एलील्स क्या होंगे, जब एक साथ होंगे तो ये जो आई ए वाला होगा वो अपने आप को क्या शो करेगा, डोमिनेंट। मतलब वहां पे जो ब्लड ग्रुप शो होगा वो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप। दूसरा अगर क्या है, अगर कोई ब्लड ग्रुप जिसका एलील क्या है आई बी है, मतलब बी ब्लड ग्रुप वाला, और अगर आई एलील के साथ है, तो वहाँ पे वो आई बी क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, डोमिनेंट शो करता है। तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब आई ए और आई हो तो आई ए डोमिनेंट होगा, आई बी और आई हो तो आई बी क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अगर आई ए और आई बी दोनों एक साथ हों, तो ये अपने आप को दोनों एक साथ शो करेंगे, और इसी को कहा जाएगा क्या, को डोमिनेंस। और ये जो एलील्स होंगे इनको हम कहेंगे को डोमिनेंट एलील्स। तो इनको को डोमिनेंट एलील्स के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन एलील्स की, आई ए जो एलील्स होता है वो एक तरह के ए एंटीजन के साथ जुड़ता है, आई बी जो एलील्स होता है वो एक तरह के बी एंटीजन के साथ जुड़ता है, लेकिन आई के पास किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं होता। ह्यूमन की बॉडी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड जब बॉडी होगी वो केवल इन तीन में से कोई दो ही एलील को क्या करेंगे, शो करेंगे। अब या तो वो आई ए आई बी एक साथ हो सकता है, या फिर आई ए आई एक साथ हो सकता है, या फिर आई बी आई एक साथ हो सकता है, या फिर आई आई एक साथ हो सकता है। तो कोई दो एलील जो होते हैं एक साथ शो करते हैं, और जब वो एक साथ शो करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई क्या हो सकता है, एक डोमिनेंट हो सकता है, या फिर ये दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं। तो ये हमने समझा कि कैसे जो है जीन होता है एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर, और वो कैसे जो है अलग अलग एलील्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, तो दोनों से जो एलील आएंगे जो अगले जनरेशन में जाएंगे, तो वो किस तरह के जो है कैरेक्टर को शो करेंगे। तो एक चार्ट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, जैसे वहाँ पे समझाया है कि ह्यूमन के अंदर कैसे ब्लड ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में, तो उसको भी हम लोग जो है यहाँ पे चार्ट के जरिए समझते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे हम एक चार्ट को बनाएं, यहाँ पे तो एक साइड हम लिखते हैं एक एलील्स है जो आ रहा है किसी पेरेंट से जो फर्स्ट है, एक जो एलील है जो आ रहा है कहाँ से, किसी पेरेंट से
जो क्या है सेकेंड है, मतलब ये मान लीजिए मेल है और ये मान लीजिए फीमेल है, दोनों के जीनोटाइप एक साथ शो होंगे, दोनों एक साथ किस तरह के जीनोटाइप को शो करेंगे इसको हम लोग देखेंगे, और उस जीनोटाइप के वजह से उनमें ब्लड ग्रुप क्या होगा इसको भी हम लोग समझेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। अगर हम ऐसे समझे, मान लीजिए कोई एक पेरेंट ए है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास है एक एलील ए, तो मान लीजिए एक पेरेंट से आई ए एलील्स आया, किसी दूसरे पेरेंट से आई ए एलील्स आया, तो ये दोनों एलील्स एक साथ आई ए और आई ए को शो करेंगे, और उस पर्सन में जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए होगा। एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है वहां से भी आई ए एंटीजन आएगा और ये एलील आएगा, और यहां से भी एक एलील आया आई ए, ये दोनों एलील एक साथ क्या शो करेंगे, एक जीनोटाइप को, और ये जीनोटाइप जो आई ए है ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर कोई एक पेरेंट है मेल जिसके पास बी ब्लड ग्रुप है और वो आई बी एलील को रखता है, और एक और पर्सन है जिसके पास बी ब्लड ग्रुप है वो भी क्या कर रहा है, आई बी एलील्स को रख रहा है, तो जो जीनोटाइप होंगे वो क्या हो जाएंगे, आई बी, और आई बी क्या है, एक डोमिनेंट है, तो वो जो ब्लड ग्रुप शो करेगा वो कौन सा शो करेगा, बी वाला। अगर कोई पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है और वो आई ए एलील को शो करेगा, और एक और पर्सन है सेकेंड जो फीमेल जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो आई ओ या आई एलील को शो करेगा। अब आपको पता है आई ए डोमिनेंट होता है और ये क्या है, डोमिनेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट वाला, तो यहाँ पे जो एलील्स अपने पेयर्स में शो होंगे वो आई ए और या स्मॉल आई, और यहाँ पे जो डोमिनेंट होगा वो ए, इसलिए ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए वाला। अगर ऐसे ही मान लीजिए आई बी है और एक अदर पेरेंट जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो वहाँ से एक एलील आई आया, ये दोनों जो होंगे क्या करेंगे, आई बी और आई को शो करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पे एलील या ब्लड ग्रुप शो होगा वो क्या होगा, आई बी वाला। अगर हम एक और समझे, मान लीजिए कोई पर्सन है और उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो आई ए एलील फर्स्ट पर्सन से आया, और दूसरा जो पेरेंट्स है वहाँ से एक एलील आया क्या, आई बी, अब ये जो जीनोटाइप शो करेंगे वो क्या शो करेंगे, आई ए और आई बी को, और ये आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट है और ये एक साथ शो होंगे आई ए, सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप, सॉरी सॉरी, ये ऊपर जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी और यहाँ पे भी जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी। अच्छा, ये जो ए बी ब्लड ग्रुप आया है ये किस वजह से आया है, को डोमिनेंस के वजह से। अगर किसी पर्सन में जिसके पास एक जीन आई ई या एलील आई है और उसके पास एक और जो पेरेंट्स है उसके पास भी आई है, तो ये आई, अच्छा आई को हम आई जीरो भी लिख सकते हैं, आई ओल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आई ओ लिखा जा सकता है, ये दोनों एक साथ शो होंगे या आई ओ, और वो जो ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होगा वो कौन होगा, ओ वाला। तो इस तरह से ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन देखा कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो वहाँ से एक हमको एलील मिलेगा आई ए, और अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो वहाँ से हमको एक एलील मिलेगा आई बी, ये दोनों एक साथ जीनोटाइप को शो करेंगे और दोनों कैरेक्टर एक साथ शो करेंगे, तो वो जो पर्सन ब्लड ग्रुप वाला होगा वो कौन सा होगा, ए बी वाला। और ये जो ए बी है इसको ये जो फिनोटाइप या जीनोटाइप को शो करेगा वो कौन सा होगा, कोडोमिनेंस वाला। इसके अलावा ये आई ए और आई बी जो होगा ये दोनों एलील एक साथ हैं और ये शो करेंगे किसको, कोडोमिनेंट एलील को। तो इस तरह से ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कोडोमिनेंस में आपको याद रखना है फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो जो 1:2:1 होता है। दूसरा चीज़ कि इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जब F1 जनरेशन में
या एफ टू जनरेशन में या हाइब्रिड के कंडीशन में दोनों एलील अपने आप को एक साथ शो करते हैं, इसी को कहा जाता है कोडोमिनेंस। फिर आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल बताया एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। एक और है रोयन कोट कलर इन कैटल्स, कैटल्स के अंदर जो कोट कलर होता है चितकबरा जो रंग होता है वो भी किसके वजह से होता है, कोडोमिनेंस के वजह से। फिर मैंने बताया एबीओ ब्लड ग्रुप में एक जीन होता है आई, उसके पास तीन एलील होते हैं और किसी भी ह्यूमन या किसी भी पर्सन के अंदर इस तीन में से कोई दो ही क्या होंगे, एलील आपको दिखेंगे और वो शो होंगे। अगर वो जो उनमें से डोमिनेंट होगा वो अपने आप को शो करेगा। तो होता क्या है, अगर आई ए एक एलील है जो किसी अदर पर्सन से आ रहा है और एक आई है जो किसी अदर पर्सन से आ रहा है, तो ऐसे में जो आई ए है वो क्या शो करेगा, डोमिनेंट, और वो जो ब्लड ग्रुप को शो करेगा वो क्या होगा, ए। इसी तरह से आई बी आई के साथ आई बी को शो करेगा और वो डोमिनेंट किसको शो करेगा, बी को। हाँ, यहाँ पे अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, आई ए जो किसी एक पर्सन से एलील आ रहा है और आई बी एक एलील जो किसी अदर पर्सन से आ रहा है, ये दोनों एलील अपने आप को एक साथ शो कर रहे हैं आई ए और आई बी, और ये आई ए और आई बी किसको शो कर रहे हैं, कोडोमिनेंस को। और ये जो कोडोमिनेंस है इसकी वजह से आप देखोगे ये दोनों अलग अलग अपने अपने कैरेक्टर को क्या करेंगे, शो करेंगे। इन एलील को हम कहते हैं क्या, कोडोमिनेंट एलील। बाकी हमने ये ब्लड ग्रुप के बारे में देखा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक कोडोमिनेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा अगर ये आपको अच्छा लगा होगा या कुछ सुझाव देना होगा तो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।